आज मेरे साथ हैं शहरोज़ और उष्णा फ्रॉम एक सितम और। तो भाई मैंने ड्रामा देखना शुरू किया, इंटरेस्टिंग था थोड़ा सा, मुझे डिफरेंट स्टोरी लगी। फिर उष्णा और शहरोज़ का जो टाकरा होता था वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। फिर मैंने कहा यार कुछ रोमांस होगा, कुछ तो क्यूट मोमेंट्स आएंगे, बस उसी आस में पूरा ड्रामा यहाँ तक पहुँच गया है। तो मैंने सोचा आज मैं इनवाइट करती हूँ उष्णा और शहरोज़ को स्टूडियो में और पूछती हूँ कि क्या वो दोनों झिझक रहे थे या फिर ये जालिम समाज पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो रोमांस आने ही नहीं देता है ड्रामे में जहाँ चांस भी हो। एंड प्लस आई गॉट अ लॉट ऑफ मैसेज फ्रॉम यू गाइज टू इंटरव्यू अनमोल एंड उसामा खान। तो अस्सलाम वालेकुम उसामा एंड अनमोल, क्या हाल चाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक एंड आई एम नॉट जोकिंग, मुझे करना था लेकिन टुवर्ड्स दी एंड उसामा से भी बात हुई थी कि थोड़ा चल जाए ड्रामा फिर करते हैं, लेकिन मुझे बड़े मैसेज आए आप दोनों को साथ बुलाएं, दोनों को साथ बुलाएं। फिर मैंने आप दोनों से सेपरेट बात की, फिर मैंने डिबेट करी थी क्या करूँ, फिर मैंने कहा चलिए दोनों को साथ करते हैं इंटरव्यू, थोड़ा डिफरेंट भी हो जाए। रोमांस तो था अंदर, आपने ऐसे क्यों कहा रोमांस नहीं था? आपको लग रहा था? और मुझे पता है मुझे क्या पता चला है, मुझे किसी ने बताया है कि शहरोज़ जो है ना वो झिझक रहे थे, उसामा झिझक रहे थे। उसामा क्या मसला था? नहीं रोमांस था अंदर। आप क्यों शर्मा रहे थे? मैं शर्मा रहा था नहीं, लेकिन मेरा ख्याल रोमांस तो था अंदर जितना था। कितना था? आपने पूरा देखा नहीं अभी तक? आई थिंक राइटर ने लिखा ही इतना था। हाँ उन्होंने लिखा ही इतना था, उन्होंने हमारे कैरेक्टर जितना अच्छा, था ना। नया इंटरव्यू है ना? हाँ तो नई बात है, पुराना नहीं, ये पिछला इंटरव्यू, आप मेरा ड्रामा नहीं देखते ये हमारी ना पुराने इंटरव्यू ये जी नहीं, मैंने पूरा देखा। मैंने संडे को आपको क्या मैसेज किया है? आपने संडे को मैसेज किया? मैंने आपको मैसेज का रिप्लाई क्या किया कि सारा देखना है आपने? मैंने पूरे देखे एपिसोड्स। अच्छा लेकिन लाइट रोमांस होता है ना, और मतलब इतना तो था, मतलब हमारी अच्छी केमिस्ट्री थी, कोई लड़ाई हो जाए हम एक दूसरे को मना रहे थे। लड़ाई ना होना इज रोमांस? नहीं नहीं, लड़ाई हो, लड़ाई हो जाए तो उसके बाद एक दूसरे को मनाना, प्यार से मना रहे हैं, अपनी गलती मान रहे हैं, तो हाँ ये ठीक है कि लड़ाई जरा ज्यादा थी। हमें भी लगा कि हमने टू सम एक्सटेंट हम भी इस बात से एग्री कर रहे हैं, मतलब उस टाइम हम भी ये डिस्कस कर रहे थे कि यार थोड़ा सा शादी के बाद रोमांस होना चाहिए था, उसके बाद फिर लड़ाई झगड़े हो जाते, क्योंकि ऑडियंस उसका वेट कर रही थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो उससे पहले भी दोनों के दरमियान जो वो एक अट्रैक्शन थी और थोड़ा सा जो वो फ्रिक्शन भी जो थी ना, वो आइडियल सिचुएशन थी कि आप थोड़े कुछ मजे के क्यूट से रोमांटिक सीन्स दिखा देते, जो मुझे लगा कि मिसिंग है इस ड्रामे में। सो जैसा कुछ मैं आपको बताऊँ, एक सीन था जिसमें ये अनमोल कमरे में आई कहती है कि शादी नहीं करनी, कैंसिल कर दो, वो मेरे ख्याल हमने खुद बनाया था, वो हमने खुद बनाया था। उसके बाद था हाँ, और एक हाँ वो फनी सा था, लेकिन उसमें वो थोड़ा सा लाइटर मोड पे था, ऐसा नहीं था क्योंकि बहुत ज्यादा थे उस सीन का, तो था कि बहुत गुस्से में है ये सब कुछ लड़ा था, इलियाज भी नहीं कहा कि उसको थोड़ा सा लाइट पे रखते हैं। उसके बाद शादी के फौरन बाद जब खाना सर्व करते हैं तो वो भी हमने सारा सीन बनाया था, वो क्यूट था बस। हाँ वो सारा सीन हमने बनाया था, खुद सर्व कर लो जो भी करना है जो। हाँ नहीं वो रेड वाला सीन, रेड कपड़ों वाला सीन है जहाँ वो बोलती है कि मैं कुछ स्पेशल बना के ले आऊँ, तो शहरोज़ जूस डाल रहा होता है, कहते हैं अच्छा आज क्या दिन है, फिर वो जाती है तो कबर्ड भी यहाँ लगती है, फिर वो मैंने कहा अच्छा नाइस क्यूट, फिर मैं होप कर रही थी कि मुझे और अच्छा, हमने वो सीन हमने खुद बनाया था। जैसे वो था इलियास भी नहीं कहा तुम बैठे हुए जूस उसको सर्व करते हैं, तो मैंने किया तो उन्होंने कहा ऐसे ही कर लेते हैं, फिर ये था तो उसने कहा कबर्ड ऐसे कर लेंगे, तो फिर हमने कहा कर लेते हैं, फिर वो हमारे माइंड। दोज आर वेरी क्यूट एंड वेरी रियलिस्टिक सीन्स जो होते हैं कपल्स के, जो घरों में भी मेरे ख्याल है ऐसी चीजें हमने देखने को मिली है कि होता है, तो ऐसे ही हम कुछ नहीं, वो स्क्रिप्ट उस तरह से, हमने बहुत से सीन थे जो हमने खुद बनाए हैं, बहुत से सीन स्क्रिप्ट में लिखे होंगे, लेकिन मेरे ख्याल है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा लैग कर रहा था। चलिए कोई कोई मसला नहीं, हम तो वैसे बाकी जगहों पे हमने हम ऐसे एक डिस्कशन कर रहे थे, वी आर हैप्पी। सो अनमोल बताएं क्या चल रहा है, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस वी लास्ट मेट, यू नो एक सितम और बस फिलहाल तो यही। हाँ मैं तो कम देख रही हूँ मैं आपको, क्या उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हम दो प्रोजेक्ट एक साथ मैंने स्टार्ट किए थे, एक जियो का और एक यही एयर वाई का, अब एयर वाई का एंड पे आ गया लेकिन जियो वाला चलने का नाम नहीं ले रहा। हम खुद इसको बड़ा कम कम देखते हैं। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है? क्या देर से आती है? नहीं नहीं टाइम पे आती है, टाइम पे आती है। अच्छा ओके बेटा अपने टाइम पे आती टेल मी आप दोनों ने स्क्रिप्ट क्यों लिया, क्या चीज थी स्क्रिप्ट में दैट यू गाइस डिसाइडेड टू डू दिस ड्रामा? अच्छा मुझे तो क्योंकि जब स्क्रिप्ट मिला तो एक इलियास भाई थे, इलियास भाई के साथ काम करना हमेशा अच्छा होता है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है। दूसरा प्रोडक्शन सिग्मा थे, एवाई
फिर जब मैंने पढ़ा पहले 10 एपिसोड, तो मैंने आपको शायद बताया था कि मैं अम्मी से पढ़वाता हूँ सारे, अम्मी मैगजीन वगैरह बहुत पढ़ती हैं, तो मैंने अम्मी को 2 स्क्रिप्ट दिए थे, एक ये था और एक और था, तो अम्मी ने कहा कि ये बहुत अच्छा है और इसमें अच्छा खासा कैरेक्टर जो है वो बिल्ड हुआ है। उसके बाद फिर मैं मतलब वो फिल्टर, फर्स्ट फिल्टर होता है, उसके बाद फिर मेरे पास स्क्रिप्ट आता है तो मैं पढ़ता हूँ। तो इनिशियली भी मुझे एक चैलेंज भी था कि जो दोबारा में तो मैंने कर लिया था, लेकिन एक चैलेंज था कि गुस्सा मैं ज़रा नहीं उस तरह से कर सकता, तो मुझे चाहिए था कि मैं गुस्से वाला कैरेक्टर करूँ। You wanted to show aggressive side. क्योंकि वो एक साइड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मुझे लगता है आपको डिफरेंट करते रहना चाहिए। आप सॉफ्ट और बड़े मेलो कैरेक्टर्स कर रहे हैं, आपको थोड़ा तो मुझे लगा कि मुझे अब जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट भी मैं करूँगा तो मैं अब ये गुस्सा और इस मैन से निकल के मुझे लगता है कुछ और करना चाहूँगा। लेकिन दोबारा आपने किया, दोबारा में भी थोड़ा हमें एंग्री यंग मैन था, लेकिन ये थोड़ा था नहीं कि टाइप कास्ट हो जाऊँगा। अब अगले सारे स्क्रिप्ट मुझे यही आएंगे कि या गुस्से वाला हो, गुस्से वाला। अच्छा, दोबारा में क्योंकि एंग्री यंग मैन था, वो बच्चा सा था, ये प्रॉपर एक एंग्री यंग मैन जिसको कहते हैं बदतमीज भी है, कोई लिमिट भी नहीं है, वहाँ पे मुझे लगता है एक चाइल्डिश सा था, यहाँ पे एक वो था, तो उसको हमने रखना था। वहाँ पे दानिश भाई ने कहा कि तुमने बहुत सी चीज़ें इस तरह करनी है कि लगे बच्चे हो तुम, अगर तुम सारे एक ही एज के, हाँ सारे एक ही एज के, तो इमेच्योर लगो। वहाँ पे बोलते हुए सोचना नहीं है, वहाँ पे आपने इस तरह नहीं करना कि बहुत सी जगह ऐसे थे, मैं कहता दानिश भाई ये बोलते हुए अच्छे नहीं थे, बच्चे बोलते भी नहीं सोचते, बोलते थे तो तुम बोलो, तुम्हारे कैरेक्टर को तुम्हारे जुमलों से पता चलना चाहिए। यहाँ पे जो थे वो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी कैलकुलेशंस के साथ बोलना पड़ता था कि एक बंदा जो कि सेंसिबल भी है, वहाँ पे सेंसिबल नहीं था, तो मेरे ख्याल ये मैटर करता है। तो उसका बिजनेस भी है, पूरा बिजनेस संभाल, तो वो उसके पॉजेज, उसके जो वोकल था वो थोड़ा सा चेंज था वहाँ से, अगर आप यहाँ पे देखें। मुझे लगता है आपको अफान नहीं नजर आया शायद शहर उसमें, मुझे नहीं नजर आया बिल्कुल। बल्कि आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, क्योंकि हमारे अफान के साथ यही मसला रहा था, कहते यार ये इतना इतनी क्यों बातें कर रहा है, थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा हम एक्सपेक्टेड से मैच्योरिटी ज्यादा कर रहे हैं। But now you explaining कि वो character suppose वो था ही वो, क्योंकि देखें अगर सारे एक ही एज के, मैं बिलाल नबील एक ही एज के, तो उनमें सबसे छोटा दिखने के लिए आपको कुछ ऐसा करना था जो इमेच्योर लगे उसमें से, मतलब आई डोंट थिंक सो कि एज डिफरेंस कोई ज़्यादा होगा बहन के साथ भी या किसी के साथ भी, तो आपको ऐसी हरकतें करनी थी जिससे वो इमेच्योर लगे। हाँ जी अनमोल, आपने क्यों लिया, आपको क्या नजर आया, क्योंकि इतने अरसे बाद हम आपको दोबारा देख रहे हैं ना स्क्रीन पे। मैंने अभी तक जितने भी पॉजिटिव कैरेक्टर्स किए हैं वो बहुत या तो बहुत ज़्यादा रोने वाले थे और या फिर मैंने नेगेटिव किया है। ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं था कि जिसमें लड़की इतनी ब्लंट हो, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जिसे मतलब जो सही लग रहा है वो सही बता रही है और जो गलत लग रहा है वो बता रही है कि नहीं ये गलत। जब ये स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा तो फिर ऑफकोर्स इलियास भाई थे, हमारी एक टीम बनी हुई थी, हमने हम पहले दो ड्रामा कर चुके थे, तो इलियास भाई ने डायरेक्ट किया था। तो उसके बाद जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ा, फिर मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा सा मुझे था डाउट कि नहीं यू नो लड़की के पास मार्जिन कम है, लेकिन जब मैंने थोड़ा आगे एपिसोड जब पढ़ना स्टार्ट किया और जो उसके डायलॉग्स थे वो बहुत डिफरेंट थे, और मुझे लगा कि ये हमारी आजकल की लड़की इतनी चुपचाप और खामोश नहीं है कि अगर कोई कहे कि वो हर वक्त रोती रहती हैं, सारे जुल्मों से तम चुपचाप बर्दाश्त करती हैं, ऐसा नहीं है। आजकल लड़कियां बताती हैं कि यू नो दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। तो ये मुझे भी लगा कि ये इस पॉइंट पे इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा ही है कि ये रियलिस्टिक है कि बोल रहा है, बहुत आउटस्पोकन है, माँ भी कह रही चुप कर जाओ तो नहीं वो बोल रही। और वैसा भी नहीं था कि यू नो हीरो को देख के फ्लैट हो गई या हमारी जो पहला जो भी इंटरेक्शन था, मतलब हमारा कोई भी वैसा नहीं था। और ऐसा था कि जहाँ पे मुझे मेरी जो मदर का कैरेक्टर प्ले कर रही है मारिया वास्ती, मुझे उनके लिए भी एक स्ट्रॉन्ग वो बनना था बच्चा कि नहीं ये अपनी मम्मा का भी ख्याल रखती हैं, मतलब बाबा के बाद, तो मुझे लगा कि नहीं इसके पास मार्जिन है और ये लड़की मुझे करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कैरेक्टर मैंने अभी तक नहीं किया।